दोस्तों, मैं हूं रसिक गामिलिया। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है उसका रिवर्स गियर क्यों नहीं होता, और मतलब गुना ही दुनिया से वो वापस समाज में क्यों नहीं आ सकते, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैं जब 18 साल का था तब किसी के बहकावे में आगे एक मराठी दोस्त के साथ 302 यानी कि मर्डर केस में जेल में फंस गया था और मुझे सजा लग गई थी और मैं 15.5 साल जेल में रह चुका हूँ। तो आज मैं आपको कानून का जानकारी बनाने के लिए, कानून का जानकार बनाने के लिए आप लोग निर्दोष कहीं फंस ना जाओ, कैसे कैसा होता है सब जेल में और ये सब लाइन में, ये सब आपको बताने के लिए मैं आया हूँ। तो डॉन का मतलब कि प्रोफेशनल क्रिमिनल का रिवर्स गियर क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल से आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। कि मेरे सामने एक, जब मैं छोटा था जेल में था 18 साल का था, 20 साल का एक लड़का आया था जेल में, तो चोरी के छोटे मोटे केस में आया था। तो ऐसा 2-3 बार आया तो उसकी फैमिली है उसके पीछे कोई फिर नहीं आता था। तो जेल में उसकी बैठक उठक बैठक जो है वो लुटारों के साथ हो गई और फिर बाहर जाके वो लूट ऐसा करने लगा। फिर उससे उसके बाद से एक मर्डर भी हो गया। मर्डर करने के बाद वो जेल में आया तो उसका थोड़ा नाम हो गया, उसके अपने एरिया में जेल में भी थोड़ा रुतबा उसका हो गया, तो उसको अच्छा लगने लगा। बाहर वो केस में छूट गया, छूटने के बाद फिर उसका मतलब ऐसा काम चालू हो गया, किसी से पैसा लेने का है या कुछ भी ऐसा है तो वो सब वो काम करने लगा शॉर्टकट। और वो मतलब उसने गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया। तो अब उसको ऐसा लगा कि अब मेरी थोड़ी उम्र होगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने समाज को बोला, रिश्तेदारों को बोला, लेकिन उसको लड़की कौन देगा, क्योंकि वो कल जेल में भी जा सकता है, कल मर भी सकता है, तो उसको तो कोई लड़की देगा नहीं। तो उसने फिर क्या किया, अपने रुतबे से अपने एंट्री से एक लड़की को पटाया और शादी कर लिया, शादी कर लिया और उसको एक बच्चा भी हो गया। लेकिन उसकी औरत को रोज दिमाग में आता था कि ये गलत काम करता है तो आज नहीं तो कल ये जेल में जाएगा, या इसको कोई मार डालेगा तो मेरी जिंदगी का क्या। तो उसने इसको ना बोला कि अब ये काम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, अपने बच्चे का मेरा क्या होगा। तो उसको हकीकत में ऐसी फीलिंग हुई कि ये सही में गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये छोड़ देता हूँ, उसने छोड़ दिया। लेकिन उसके जो लड़के लोग थे, उसके साथ में जो चलने वाले, वो इसको उकसाते रहते थे कि भाई ये 50 लाख का काम आया है, चलो उसको धमकी देते हैं। फिर दूसरा लड़का आता है कि भाई अपने एक लड़के को मार दिया भाई, उसको मारना पड़ेगा नहीं तो अपना खौफ फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोग उसको इसको उकसाते थे, फिर भी वो शांत रहा कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसके लड़के भी मतलब उसको खर्चा पानी मिलना बंद हो गया, तो वो सोचने लगी कि अब इसका क्या करें, अपना तो खर्चा बंद हो गया भाई, तो कुछ करने वाले है नहीं। तो उसने क्या किया, सामने वाली जो पार्टी थी उसका दुश्मन था, वो लोग से उसके अंदर से 2 जन मिल गए उसको कि ये भाई कहाँ कहाँ अकेला जाता है, किधर जाता है। तो उसके हाथ से ये लोग ने अपने ही 2 लोग ने मर्डर करवा दिया इसका। तो मतलब एक केस में ऐसा हुआ, और एक केस में कैसा हुआ कि एक मर्डर केस में अंदर आया एक, और वो वैसे बाहर ऐसा ही वो था और आगे मर्डर में आया तो उसका नाम तो था ही। तो फिर नाम के जरिए उसके खिलाफ कोई साक्षी पंच गवाह कोई बोले नहीं कोर्ट में, वो छूट गया बाहर। और बाहर जब छूट गया तो उसका उपयोग जो थे वो राजकीय पार्टी मतलब व्हाइट कॉलर अधिकारी सब लोग इसका उपयोग करते थे, जब वो ऐसा काम था तो इसको सौंपते थे तो ये काम करता था। लेकिन जब इसको भी एहसास हुआ कि ये गलत है, आज नहीं तो कल मैं जेल में जाऊँगा या मेरा मर्डर हुआ, तो इसने भी ये काम छोड़ दिया। तो वो जो व्हाइट कॉलर थे वो इसको काम छोड़ने नहीं देते थे, इसको ज़बरदस्ती काम करवाते थे, नहीं तो तू जेल में जाएगा तो तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। जब वो आमने सामने हो गए कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, तो पार्टियों ने सबने मतलब मिलके उसके दुश्मन की एक पार्टी थी उसको इसका काम दे दिया और इसको मरवा दिया, और वो पार्टी को भी छुड़ा लिया। तो मतलब राजकीय पार्टी होती है या ऐसे बड़े जो लोग होते हैं वो ऐसा क्रिमिनलों का उपयोग करते हैं, तो इसको भी मतलब रिवर्स उसको समाज में आने नहीं देते। और एक केस में क्या था कि एक डॉन अंदर आया था, उसने 2-3 मर्डर किए थे, उसका भी बहुत रुझुआ था बाहर। तो वो जब बाहर गया तो उसने भी छोड़ना कोशिश किया ये सब। तो वो उसके केस में भी ऐसा हुआ कि उसके जो 2 लड़के थे उसने सोचा कि भाई ने तो अब सब छोड़ दिया है तो क्या करे, तो अपना भी कुछ नाम होना चाहिए, क्या करे। तो वो 2-3 जन मिलके भाई को ही उसने उसके खुद के आदमियों ने मर्डर कर दिया। तो कुल टोटल मिला के मेरा कहना ऐसा है कि जो भी भाई डॉन बनते हैं उसका लास्ट में अंजाम यही आता है। बहुत मतलब 100 में से 1% ही शायद सुधर सकते या समाज में वापस आ सकते हैं, बाकी तो लगभग उसका मर्डर होना तय है या फिर वो वापस ज़्यादा जेल में रहते हैं।
और ऐसा बहुत कम हुआ है कि 0.01% की जो गुनाह करके आउट कंट्री जो सेटल हो गए उसकी भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि वो भी उसको रोज का भागना रहता है, उसको भी डर रहता है कि कोई सरकार को बात नहीं देगा या फिर कोई अपना ही आदमी मेरी मिल्कत को बचाने के लिए मुझे मार देगा, या सब उसको डर रहता है। तो मतलब ये प्रोफेशनल क्रिमिनल जो रहते हैं उसका रिवर्स गियर इसीलिए नहीं होता कि अगर वो सुधर जाता है तो उसको कोई ना कोई मार देता है। तो ये लाइफ में प्रोफेशनल क्रिमिनल लाइफ में ऐसा होता है। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जरूर मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।